प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का इंग्लिश लिटरेचर का मेजर, माइनर और इलेक्टिव का पेपर। यह पेपर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर का है और यह हमें प्राप्त हुआ है डॉक्टर चंद्रावती निराला मैम के माध्यम से। इस पेपर को देखकर आप एक अंदाज़ लगा सकेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यह पेपर जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को मेजर सब्जेक्ट के तौर पर लिया है उनका सेकंड पेपर रहेगा, और जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को माइनर या इलेक्टिव पेपर के तौर पर चुना है उनका भी यह पेपर रहेगा इंग्लिश लिटरेचर। चलिए देख लेते हैं इस पेपर को। पेपर का जो टाइटल है वो है स्टडी ऑफ पोएट्री। ध्यान रखिएगा, आपको परीक्षा में उत्तर पुस्तिका पर इसको लिखना रहता है, तो ठीक से स्पेलिंग भी आप ध्यान में रख लीजिएगा और पेपर का टाइटल भी ध्यान में रख लीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स 70 है और 3 आवर्स में करने के लिए कहा गया है। इसके पश्चात आप एक नोट देख पा रहे हैं, अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल 3 सेक्शंस एस डायरेक्टेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज गिवन विद सेक्शन। 3 खंड हैं और तीनों खंडों में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको हल करना है, और प्रत्येक खंड के प्रश्नों के लिए कितने मार्क्स हैं वो भी सेक्शन के साथ बताए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 5 पूछे गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक के लिए है और टोटल 5 अंकों का ये सेक्शन है। साथियों, बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के जो पेपर प्रारंभ हुए हैं उसमें जो पैटर्न अपनाया जा रहा है वो पैटर्न ये है कि सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ आपसे ऑब्जेक्टिव ना पूछकर अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जा सकेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न अपनाया है। तो आप ऐसा मत मानिए कि ऐसा ही पेपर आपकी यूनिवर्सिटी में भी आएगा, बस एक आइडिया ले लीजिए कि इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब मज़े की बात आपको इसमें और ये भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर इस पेपर में इंटरनल चॉइस कुछ भी नहीं दी है, यानी 5 प्रश्न पूछे हैं और 5ों के 5ों करना है, और न तो अथवा में कोई प्रश्न है न एक्स्ट्रा क्वेश्चन से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर, और फिर ये पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, डाउटिंग ड्रीमिंग ड्रीम्स नो मॉर्टल एवर ड्रेड टू ड्रीम बिफोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फिर इसमें बताया है, आप विकल्प दिए हैं जैसे सिमिली, मेटाफोर और अलिट्रेशन और हाइपरबल, इनमें से कोई एक चुनना है। इसमें जो निशान लगाया है, यदि आपको उत्तर का निशान लगाया हुआ दिखता है तो उसे आप फाइनल मत मानिए, ये स्टूडेंट ने लगाया है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान छोड़ा है और लिखा है बिलोंग्स टू प्यूरिटन ईरा, कौन से आथर हैं जो प्यूरिटन ईरा से बिलोंग करते हैं। नाम दिए हैं जॉन मिल्टन है, फिर जॉफ्री चासर है, जॉन किट्स है और जॉन डोने है। तीसरा क्वेश्चन फिर से खाली स्थान वाला है कि इज़ अ राइटर्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रिएक्टिंग आफ्टर फेस द रीज़न। तो यहाँ पर आपको बताना है विकल्प में फैंसी, इमेजिनेशन, निगेटिव कैपेसिटी और सेंसियसनेस। यदि पढ़ने में कुछ त्रुटि हो रही तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन 4 दिया है कि द लास्ट राइड टुगेदर इज़ अ नरेटिव पोएम, एपिक रोमांटिक पोएम या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक क्वेश्चन और दिया है 5वां, खाली स्थान करके बताया है कि इज़ अ लिरिक पोएम ऑफ लिरिकल बैलेट्स, और इसमें पोएम के टाइटल दिए हैं, ए द सॉलिटरी रेपर, बी इंडियन वीवर्स, सी ऑड टू ऑटम, डी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये देखिए 5 क्वेश्चन है, 5ों करना है। अब इसी तरह से सेक्शन बी में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स हैं, टोटल 25 मार्क्स हैं,
तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कोई इंटरनल ऑप्शंस नहीं है ना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। पर जहाँ तक DAVB का सवाल है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको आंतरिक विकल्प ज़रूर मिलेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कि आपका पेपर कैसे आ सकता है। तो यहाँ जो पूछे गए हैं वो देखिए, व्हाट इज़ फिगरेटिव लैंग्वेज एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर दी न्यू क्लासिकल फीचर्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप्स पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, डिस्क्राइब द डिफरेंट थीमेटिक आइडियाज प्रेजेंट इन द पोएम और टू आत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज डेथ बी नॉट प्राउड एज अ सोनेट। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, व्हाट आर दी थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ मेंशन्ड इन द पोएम इंडियन वीवर्स। तो ये बड़ी कठिन बात है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सेक्शन सी देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन करने हैं, 10-10 मार्क्स के हैं और 40 नंबर का ये सेक्शन है। यहाँ भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पर भी कोई विकल्प नहीं दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन हैं, चारों ही करना है। इससे विद्यार्थियों को काफ़ी कठिनाई होती है, फिर भी अपन देख लेते हैं, अपने लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, रिपीट हो सकते हैं। व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म, डिस्कस जॉन किट्स एज अ सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएम। द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग कंटेन सोशल क्रिटिसिज्म पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू मैरिज, डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द बैटल ऑफ कार्ड्स इन द पोएम द रेप ऑफ लॉक। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, डिस्कस ऑटोबायोग्राफिकल नोट इन द पोएम आवर काजरीना ट्री एंड सीता। 2 पोएट्री की यहाँ पर डिस्कशन की बात की गई। इस तरह से ये आपका पूरा पेपर हुआ। साथियों, आपको डर लग रहा होगा कि कहीं DAVB की एग्ज़ाम में भी तो ऐसा ही ना आ जाए, तो कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि चॉइस चाहिए हमें। तो जहाँ तक हमारा अंदाज़ है कि DAVB की परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। 3 खंड रहेंगे। पहला खंड अति लघुत्तरी प्रश्न का रहेगा, जिसमें आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको 3 क्वेश्चंस उसमें हल करने हैं। और इसके पश्चात जो दूसरा खंड रहेगा लघुत्तरी क्वेश्चंस वाला, उसमें आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, अथवा में भी प्रश्न रहेंगे। और इसी तरह से जो लास्ट वाला सेक्शन रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर वाले, जो आपको 500 वर्ड्स में लिखने होंगे, और उनके लिए जो नंबर होंगे वो 15-15 मार्क्स होंगे। इसलिए बहुत चिंतित मत होइए, बट अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करके रखिए। यह करियर एडवाइस चैनल है, आशा है यह वीडियो आपको काम का लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, और इस चैनल के साथ सदैव बने रहिए। आपके लिए निरंतर सहयोगी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए, चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी को और उनकी टीम को। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्ते।